श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सो वी आर सीइंग अविभाव समासा। अविभाव समासा, अविभाव अनव्ययम्, अव्ययम् करोति इति अव्ययी भाव। वी सॉ यस्टरडे, सो इन दैट अव्ययी भाव वी सॉ जनरल टू थ्री समास सूत्रास उपसर्जनम्, प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम्, उपसर्जनम् पूर्वम्, देन अविभावश्च। थ्री सूत्रास वी सॉ। प्रथमा निर्दिष्टम समासम उपसर्जनम्, फर्स्ट सेड वाट एवर इज सेड इन प्रथमा इज गिवन द नेम उपसर्जना, एंड सेकेंड वाट एवर उपसर्जना विल कम बिफोर। दीज टू सूत्र डिफाइन द उपसर्जना इन एंड इट्स यूसेज। देन अविभावश्च इज द सूत्र प्रॉपर विच डिफाइन्स द समासा। अविभावा ऑल्सो will be अविभाव इज नॉट दि सूत्र प्रॉपर। अविभावश्च सेड अविभाव समासा विल बी इन नपुंसकलिंग, इट विल बी इन न्यूट्रल जेंडर। सो टिल दिस वी हैव सीन। नेक्स्ट इज दि सूत्र प्रॉपर विच डिफाइन्स वॉट इज अविभाव। सूत्र इज अ वेरी बिग सूत्र। अव्ययम्, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभावात्येय, संप्रति, प्रशब्द प्रादुर्भाव, यथानु पश्चात, यथानु पूर्व्य, योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। बिग सूत्र। अव्यय, अव्ययम्, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, एक्सेट्रा एंड साकल्यांत वचनेषु, अंत वचनेषु, अंत वचनेषु शु, देयरफॉर इट इज सेवेंथ केस। अव्ययम् इज फर्स्ट केस। सो व्हाट एवर इज रेफर्ड टू इन फर्स्ट केस इज उपसर्जना, एंड उपसर्जना विल बी पूर्व। सो अव्यय विल बी ब्रॉट बिफोर दि अस दि फर्स्ट पद, दट यू अंडरस्टैंड। नाउ इन दीज मीनिंग्स यू हैव दिस अव्यभाव समास, विभक्ति एक्सेट्रा। फॉर विभक्ति यू हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, एक्सेट्रा। सो आई विल टेक दिस पंचमी विभक्ति। सो इन पंचमी विभक्ति देयर इज अ स्पेशलिटी, विभक्ति इट्सेल्फ देयर इज अ स्पेशलिटी। आकारांत अव्यय अविभाव, इन अविभाव समास अकारांत अव्यय दि सुप विल बी नॉट लुक, एंड इट विल ऑल्सो गेट अम। दि सुप विल गेट अम। दिस इज वॉट दि सूत्र से पंचमी। सो एग्जाम्पल इज अधिगोप, गोपात अधिकृत्य वर्तते इति अधिगोप, गोपम अधिकृत्य वर्तते इति, लाइक दैट आल्सो। अधिगोप प्लस सु, सु गेट्स अम, अधि गोप प्लस अम, अमि पूर्व अधिगोपम, अधिगोपम। तृतीया सप्तमी एक्सेट्रा यू हैव कृष्ण प्लस नस, कृष्ण प्लस नस, समीप अव्ययम् विभक्ति समीप। फॉर समीप यू हैव कृष्ण प्लस कृष्णस्य समीपम्, कृष्णस्य समीपम् प्लस समीपम्, कृष्ण प्लस नस, नस ओस आम नी ओ सुप, कृष्ण प्लस नस, समीप प्लस अम, समीपम, समीप प्लस सु,
से आम नो प्रॉब्लम सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो कृष्ण प्लस फॉर समीपा आई विल ब्रिंग इन द उपसर्ग उप उप उपसर्जनं पूर्वं उप कृष्ण उपकृष्ण सुबुत्पत्ति उपकृष्णम कृष्ण उपकृष्ण प्लस अम अमी पूर्व उपकृष्णम लाइक दैट यू विल हैव उपकृष्णम अव्ययम् समीप समृद्धि फॉर समृद्धि यू हैव मद्राणाम समृद्धि समृद्धि ग्रोथ ग्रोथ ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू मद्रास सो मद्रा प्लस आम प्लस समृद्धि फॉर समृद्धि आई विल ब्रिंगिंग द उपसर्ग सु सु प्लस मद्रा नाउ आम गेट्स ड्रॉप सुपो धातु प्रातिपदिकयोः मद्र देन सु आई ब्रिंग इन बिफोर बिकॉज ऑफ उपसर्जनात् उपसर्जनं पूर्वं सुमद्र सुमद्र प्लस अम अमी पूर्व सुमद्रम सुमद्रम अर्थम अर्थम प्रति इति प्रत्यर्थम अर्थम अर्थम प्रति सो अर्थम प्लस प्रति प्लस प्रति सुप सुपधातु प्रातिपदिकयोः अर्थ प्लस प्रति प्रति उपसर्जनम सो आई ब्रिंग इट बिफोर प्रति प्लस अर्थम प्रति प्लस अर्थ इको यनचि प्रत्यर्थ सुबुत्पत्ति अमी पूर्व प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम ओके नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर अभिभाव समास नेक्स्ट वी विल सी तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास लाइक यू हैव टू डिफरेंट तस्य पुरुषः तत्पुरुष कैन बी तस्य पुरुष और स पुरुष तस्य पुरुष और स पुरुष तत्पुरुष दिस इज ऑफ टू टाइप्स व्यधिकरण और समानाधिकरण व्यधिकरण और समानाधिकरण समानाधिकरण विभक्ति सेम विभक्ति पूर्व पद विल बी सिमिलर टू उत्तर पद विभक्ति ऑफ पूर्व पद एंड उत्तर पद आर सेम इन व्यधिकरण पूर्व पद is not similar to पूर्व पद विभक्ति is not similar to उत्तर पद that is the difference समानाधिकरण समानाधिकरण समान आधार आदि विभक्ति will be same व्यधिकरण this आधार आदि विभक्ति is not same that is the difference so समानाधिकरण and व्यधिकरण the sutra proper which defines the तत्पुरुष समास is तत्पुरुषः तत्पुरुषः इज द सूत्र 2122 फ्रॉम हियर क्वाच 2222 व्हाट एवर समास टेक प्लेस इट इज कॉल्ड तत्पुरुष समास इन बिटवीन दिस व्हाट एवर समास टेक्स प्लेस इट इज कॉल्ड तत्पुरुष समास And Tatpurusha Samasa can be for Vibhaktis which
know the first the tatpurusha samasa is defined with the vibhakti of the first pada, purva pada. Except the first case, you can use this second case, etc. Dvitiyadi vibhakti based on the dvitiyadi vibhakti based on the dvitiyadi vibhakti the samasa is called dvitiya dvitiya tatpurusha tritiya tatpurusha chaturthi tatpurusha panchami tatpurusha saptami shashti tatpurusha saptami tatpurusha samasa etc. Remember you have tatpurusha also dvitiya tritiya etc. In the next samasa, bahubri samasa also you have dvitiya tritiya etc. Because there you will have the yat defined in the second case, third case, fourth case, etc. Yasya, yasmin, yat, yam, like that. So you should not confuse between the tatpurusha samasa and bahubri samasa. Here the word will be, the first word will be in, the first word of the conjunction, the compound will be in that particular case. So like we will take two examples for this tatpurusha samasa of the vibhakti, sir. Now it will be in dvitiya also, dvitiya shitadita padita gatatyat praptapannaihi gatatye praptapannaihi, like that. There is a big sutra. So dvitiya, it will be dvitiya case, the dvitiya pada, puru pada, shabda will be compounded with shruta, atita, etc. So like that, tritiya also has different words or dhatus which will be compounded with that. We'll forget all that. We'll come to panchami to see an example of the samasa. Panchami bhayena. Bhayena tritiya, panchami first case. Since panchami is first case, it gets upasarjana, upasarjanam purvam. Okay? Now, panchami purvapada plus bhaya uttrapada gives rise to tatpurusha samasa. And this tatpurusha samasa is called panchami tatpurusha samasa. Example, we'll see chorat bhayam. Chorat bhayam. Chora plus panchami. Nasi. Nas os am nasi. This is nasi plus bhaya plus am. Subodhatu pradipatikyoho. Chora plus bhaya. Chora plus bhaya. Chora is a panchami. Panchami is a in prathama. Therefore, because it is in prathama, it will be before. It's already before. So you will bring in both this chora bhaya. Chora bhaya plus subutpatti amipurva chora bhayam. Chora bhayam. Then next example, shashti. Shashti, next sutra, this is shashti with shashti. Shashti is prathama with the sixth case also. Tatpurusha samasa will come, and that is a shashti tatpurusha samasa. Shashti purvapada plus sup, this is tatpurusha. Now shashti, for shashti the example we take is a krishna rajnyah purusham. Rajnyah plus
पुरुषः राज्ञः प्लस पुरुषः राज प्लस षष्ठी इज नस प्लस पुरुष प्लस शुभो धातु प्रातिपदिकयोः राज प्लस पुरुष उपसर्जनं पूर्वं ऑलरेडी उपसर्जन इज इन अस्ति फर्स्ट पद आई हैड दिस राज पुरुष प्लस अम नहीं प्लस सु राज पुरुषः करवसान विसर्जनीयः ससेश्वरः करवसान विसर्जनीयः राज पुरुषः दिस इज षष्ठी तत्पुरुष समास शब्द नाउ दिस इज All these sutras which we saw is a nas su. One is a in sakshti, the other is in prathama. Vedikarana. So we saw the Vedikarana samasa of sakshti, of tatpurusha. Now we will see samanadhikarana samasa. The samanadhikarana samasa is called karmadharaya. The sutra says tatpurusha samanadhikarana karmadharaya. Tatpurusha. समानाधिकरणः कर्मधारयः वन 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 समानाधिकरण तत्पुरुष इज कॉल्ड कर्मधारय समानाधिकरण समानाधिकरण समान विभक्ति तत्पुरुष समास gets the name karma dharaya sanya samanadhikarana tatpurusha samasa gets the name karma dharaya now in this there are variants in karma dharaya there are variants there is one samasa which is called dvigu samasa dvigu samasa संख्या पूर्वो द्विगु संख्या पूर्वो द्विगु संख्या पूर्वो द्विगु संख्या पूर्व वन द्विगु वन सो दि संख्या पूर्व पद प्लस सुप दिस इज कॉल्ड द्विगु समास द्विगु तत्पुरुष समास द्विगु तत्पुरुष समास देयर आर अदर सूत्रास टू थ्री सूत्रास विच डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट रिजल्ट विल हैव द्विगुहु द्विगुश्च द्विगुश्च देयर इज नेक्स्ट सूत्र द्विगुश्च द्विगुश्च विल डिफाइन दिस द्विगु आल्सो विल बी तत्पुरुष नेक्स्ट सूत्र द्विगुश्च सेस द्विगु विल बी तत्पुरुष संज्ञा द्विगु आल्सो इज तत्पुरुष समास देन देयर इज अनदर सूत्र द्विगुर एक वचनम द्विगुर एक वचनम द्विगु समास विल बी इन सिंगुलर केस will be in singular case and sa napumsakam next sutra that will be in neuter gender only so these sutras are three individual sutras but combinedly you have to understand for understanding this dvigu dvigushcha gives the tatpurusha sanya for dvigu samasa dvigu ekavachanam defines it to be the result to be singular And sanapumsakam defines this to be the singular neuter gender in neuter gender. So we have an example. Dviguhu panchanam gavanam samaharah. Panchanam gavanam
समाहारः ग्रुप ऑफ पंच समाहारा मीन्स ग्रुप गवा मीन्स काउस सम पंचाना मीन्स फाइव फाइव काउ ग्रुप ग्रुप ऑफ फाइव काउस सो वी हैव पंचा नाम प्लस गवाना पंच प्लस आम प्लस गवा प्लस आम सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः पंच प्लस संख्या विल बी पूर्व संख्या पूर्व वास फर्स्ट केस देयरफॉर उपसर्जनम पूर्वम सो यू विल हैव पंच प्लस गवा सुपत्पत्ति पंच इट्स इट्स नपुंसकलिंग सिंगुलर फॉर नपुंसकलिंग सिंगुलर सु विल कम फॉर सु समोर नपुंसकात् अम विल कम देयरफॉर पंच गवम अमि पूर्व पंच गवम पंच गव प्लस सु फॉर सु समोर नपुंसकात् अम विल कम अमि पूर्व पंच गवम That's the form. We'll see the other Tatpurusha Samasa, which is important. Nai Tatpurusha Samasa, 2-3 sutras. We'll see that and we'll get into Bahuvrihi Samasa. See. Harihi Om.